हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन इलेक्ट्रिकल। दोस्त, आप लोग को आज मैं बताने वाला हूँ जो टू वे स्विच का साथ लैम्प कैसे कनेक्शन करना है। आप लोग देख रहा है हमारे पास दो टू वे स्विच है, तो अभी मैं आप लोग को बताऊंगा टू वे स्विच कहाँ पे यूज किया जाता है और कौन सा पर्पस में इसको यूज करना है। आप लोग शायद देखा होगा जो हमारा घर में जो हमारा सीढ़ी रहता है, तो सीढ़ी में आप नीचे से आप लैम्प ऑन करके जाता है, ऊपर में जाके आप लैम्प उधर से जो स्विच रहता है उसमें आप लैम्प को ऑफ कर देता है, तो उधर ही हमारा ये टू वे स्विच यूज होता है। तो पहले मैं आप लोग को इसका सिंबल के हिसाब से टू वे स्विच का कनेक्शन डायग्राम कैसा होता है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। उसका बाद मैं प्रैक्टिकली आप लोग को इसका कनेक्शन करके दिखाऊंगा लैम्प ऑन ऑफ करके। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करता हूँ। आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और ऐसा वाला वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसा वाला वीडियो बनाएगा तो आपको पास पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले मैं इसका सिंबल बना लेता हूँ। तो पहले एक टू वे स्विच का एक सिंबल बनाया, एक सिंबल बनाया, ये हमारा ड्रॉइंग के हिसाब से सिंबल है। तो इसमें तीन टर्मिनल होता है टू वे स्विच में, आप लोग देख रहा है इसमें, देखिए तीन टर्मिनल होता है टू वे स्विच में। जैसा हमारा वन वे स्विच रहता है उसमें आपका दो टर्मिनल रहता है, लेकिन टू वे स्विच में तीन टर्मिनल रहता है। तो इसमें हम तीन पॉइंट बना लिया, इधर भी हम ऐसा तीन पॉइंट बना लेगा। तो जैसा हम तीन पॉइंट बनाया इसका, देखिए कैसा रहता है, ये ऐसा रहेगा और इधर का जो है ये ऐसा रहेगा। तो इसमें हमको क्या करना है, हम इधर से बाहर से हम इनपुट सप्लाई देगा, ये हमारा फेज लाइन हम दे दिया है इधर, और अंदर में दो जो टर्मिनल है ये दो टर्मिनल को अंदर में मैं ऐसा शॉर्ट कर दूंगा। तो ऐसा शॉर्ट कर देना पड़ेगा टू वे स्विच में, और बीच वाला जो पॉइंट रहता है इसमें इसमें से आप आपको आउटपुट सप्लाई निकालना पड़ेगा। इधर बीच में आपको लैम्प कनेक्शन करना पड़ेगा। तो लैम्प का एक साइड में आपको फेज लाइन देना है और दूसरा साइड में आपको बाहर से न्यूट्रल सप्लाई लेके आना है। ये हमारा न्यूट्रल सप्लाई है, तो आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए जो तीन टर्मिनल है, ये जो तीन टर्मिनल है तो बीच वाला में आपको बाहर से इनपुट सप्लाई लेके आना है, और ऊपर वाला जो दो हिस्सा है, ये दो हिस्सा है, ये दो हिस्सा को आपको शॉर्ट कर देना है। तो मैं एक वायर से इसको शॉर्ट कर दिया, नीचे वाला जो हिस्सा है इसमें आप शॉर्ट कर देने का है। आपको ड्राइंग बताने के लिए बोलेगा इंटरव्यू में, आपको ऐसा ड्राइंग बताना पड़ेगा। अरे इधर है बीच में ये लैम्प कनेक्शन कर दो। अभी हमारा क्या होगा, इधर से हम ऑन करेगा तो लाइट हमारा ऑन हो जाएगा, इधर से हम ऑफ करेगा तो हमारा लाइट इधर से ऑफ हो जाएगा। तो टू वे स्विच ऐसा काम करता है। तो अभी मैं इस स्विच में जैसे सिंपल तरीके से आप लोग को दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए हमारा स्विच है, इसमें तीन टर्मिनल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला जो दो एक टर्मिनल है ए टर्मिनल के साथ, ए टर्मिनल को आपको शॉर्ट कर देना पड़ेगा, नीचे वाला जो टर्मिनल इसके साथ इसको आपको शॉर्ट कर देना पड़ेगा। हमेशा आपको जो स्विच रहेगा ये स्विच में फेज लाइन कनेक्शन करने का, और बीच वाला जो हिस्सा है इसमें हम बाहर से फेज लाइन दे देगा, और इधर से हम आउटपुट निकाल लेगा एक स्विच का बीच में। तो हम इधर से आउटपुट निकाल लेगा, इधर बीच में हम क्या करेगा लैम्प कनेक्शन करेगा। लैम्प पे एक साइड में हम फेज लाइन दे दिया और एक साइड में हम बाहर से न्यूट्रल कनेक्शन कर दिया। तो ये हमारा ड्राइंग में आप लोग को बताया, ये हमारा स्विच का जो तीन टर्मिनल है वो रख के कैसे कनेक्शन करना वो मैं नीचे वाले बताया, और ऊपर में प्रॉपरली जो इसका ड्राइंग होता है वो मैं आप लोग को बताया। तो आप इंटरव्यू में पूछेगा तो आप ऐसा करके इसको बता सकता है। दोस्तों, अभी मैं आप लोग को इसका कनेक्शन करके प्रैक्टिकली आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं एक होल्डर लिया हूँ,
एक लैंप लिया हूँ आप लोग को देखाने के लिए, मैं एक लैंप को फिटिंग कर दे रहा हूँ। उसके बाद जो दो स्विच है वो दो स्विच को कैसे कनेक्शन करना है, इसीलिए मैं दो वायर का टुकड़ा लिया हूँ। ये जो रेड कलर का वायर देख रहे हैं ये हम फेज लाइन के लिए यूज करने वाला हूँ, और जो हमारे ब्लैक कलर का वायर है ब्लैक कलर का मैं न्यूट्रल के लिए यूज करने वाला हूँ। तो मैं पहले क्या किया, जो हमारा ब्लैक कलर का वायर है मैं होल्डर में डायरेक्ट न्यूट्रल लगा दिया हूँ भाई, और फेज लाइन मेरा बाकी है तो फेज लाइन को मैं कनेक्शन करूंगा। तो पहले मैं ये जो ऊपर वाला जो दो हिस्सा है इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं अभी दूसरा जो वायर है इसको मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। एक मेरा वायर कनेक्शन हो गया, दूसरा वाला मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। आपको ऐसा कनेक्शन करना पड़ेगा, टू ए स्विच आप कनेक्शन करेगा। ये हमारा क्या है, घर पे जो हम लोग सीढ़ी में यूज करता हूँ लैम्प, उधर आपको क्या है, मान लीजिए आप ऊपर में जा रहा है दो तला में जा रहा है, तो नीचे में आप स्विच ऑन करके जा रहा है, ऊपर से आपको स्विच ऑफ कर देना पड़ेगा लैंप बंद करने के लिए। तो उधर आपको ये टू ए स्विच कनेक्शन करना पड़ेगा। तो अभी मैं ये जो बीच वाला जो हमारा ये स्विच है, बीच वाला का जो हिस्सा है, मैं जैसे आप लोगों को ड्राइंग में बताया था उसमें मैं लैंप का फेज लाइन जो है आउटपुट इसमें मैं कनेक्शन कर दे रहा हूँ। आप ऐसा कनेक्शन करके आप इधर फेज लाइन दे सकता है, इधर से आप आउटपुट निकल सकता है, नहीं तो इधर आप फेज लाइन देगा तो इधर से आप आउटपुट निकल सकता है। तो मैं इधर से आउटपुट निकाल ले रहा हूँ, ये हमारा लैंप पे जा रहा है, मैं लैंप का वायर कनेक्शन कर दिया हूँ। तो अभी मैं इधर से इनपुट सप्लाई देगा, इनपुट सप्लाई देने के लिए मैं बाहर से रेड कलर का जो वायर देख रहा है ये मैं लिया हूँ। इसको मैं ये बीच वाला जो पॉइंट है स्विच का, टू ए स्विच का, इसमें मैं कनेक्शन कर दे रहा हूँ। आपको जो कनेक्शन है ये थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना पड़ेगा, क्योंकि उल्टा हो जाएगा तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ ड्राइंग के हिसाब से। देखिए ये ऊपर वाला जो दो पॉइंट है ये वाला वायर से मैं इसको लूपिंग कर दिया हूँ, और इधर वाला जो है नीचे वाला जो वायर है ये लूपिंग कर दिया हूँ। बीच वाला जो पॉइंट है स्विच का, इधर से मैं लैम्प का आउटपुट सप्लाई लिया हूँ। ये हमारा क्या दोनों जगह से ऑपरेट होगा, मान लीजिए ये ऊपर में सीढ़ी का ऊपर में लगा है, ये नीचे में लगा है, आप नीचे से ऑन करके जा रहा है ऊपर में जाकर आप ऑफ कर सकता है। वो मैं आप लोग को प्रैक्टिकली दिखाता हूँ लैम्प ऑन ऑफ करके। देख रहे हैं दोस्तों हमारा भी लैम्प ऑन हो गया है, तो मैं इधर से अभी ऑफ कर रहा हूँ। देख रहा हमारा लैम्प अभी इधर से ऑन ऑफ हो रहा है, इधर से मैं ऑन किया तो इधर वाला जो है स्विच इधर से हम इसको ऑफ करेगा। देख रहा है ये ऑफ हो जा रहा है, इधर से आप अभी ऑन कर सकता है, इधर से आप ऑफ कर सकता है। मैं आप लोग को ऐसा लाइव दिखा रहा हूँ सप्लाई चालू करके, आपको कोई बोर्ड पे फिटिंग करके काम करना है, आप लाइव ऐसा काम नहीं करने का। देख रहे मैं इधर से ऑन कर रहा हूँ, इधर से ऑन हो जा रहा है, इधर से मैं ऑफ कर रहा हूँ, इधर से ऑफ हो जा रहा है। तो टू ए स्विच कनेक्शन ऐसा आपको करना पड़ेगा दोस्तों। ये कहाँ पे यूज होता है वो भी मैं आप लोग को बताया इस कनेक्शन के बारे में। आप लोग को कोई सवाल रहेगा तो हमारा कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर कमेंट करिए। आज के लिए इतना तक है दोस्तों, अगली वाला वीडियो में मिलता हूँ, धन्यवाद।